नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लखनऊ सुतार आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ, प्रैक्टिस सेट है 13। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 12 प्रैक्टिस सेट देख लिया दोस्तों, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति व्यवस्था, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान के संभाग और राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान के भौतिक भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके अब है राजस्थान की नदियाँ प्रैक्टिस सेट 13। आज हम फिर टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं राजस्थान की नदियाँ प्रैक्टिस सेट 13। पहला क्वेश्चन है, सेई नदी का उद्गम स्थान है ए सहलवाड़ सिरोही, बी कोटरा उदयपुर, सी है पादल्ला उदयपुर और डी है फुलवारी किनाल उदयपुर। सेई नदी का उद्गम स्थान तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटड़ा गांव उदयपुर। कोटड़ा गांव उदयपुर से सेई नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो सेई नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? कोटड़ा उदयपुर। ठीक है दोस्तों, सेई नदी से दोस्तों सेई जल सुरंग निकाली गई है जो आपकी जवाई नदी में जाकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? जवाई नदी में। यानी कि सेई नदी का पानी है किस नदी में डाला जाता है? जवाई नदी में। ठीक है, और जवाई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माही नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? ए है 111 किलोमीटर, बी है 576 किलोमीटर, सी है 512 किलोमीटर और डी है 395 किलोमीटर। माही नदी की राज्य में लंबाई, दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम स्थान होता है आपके मेहद झील से। कौन सी झील से? मेहद झील। मेहद झील कहाँ पे है? तो मेहद झील पड़ती है आपके अम्मोरू गांव। कौन सा? अम्मोरू गांव। अम्मोरू गांव धार जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, मेहद झील अम्मोरू गांव धार जिला मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और राज्य में प्रवेश करती है आपके खंदरू गाँव से। किस गाँव से? खंदरू गाँव। खंदरू गाँव आपके बांसवाड़ा में स्थित है। तो माही नदी राज्य में खंदरू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के थोड़े से हिस्से को डूंगरपुर होते हुए गुजरात चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपके उल्टे यू के आकार में बहती है और माही नदी करक रेखा को दो बार काटती है दोस्तों। ठीक है, करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। अब बात कर लेते हैं माही नदी की राज्य में लंबाई। दोस्तों माही नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपके 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, लेकिन राज्य में लंबाई है 111 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राज्य में माही नदी की लंबाई कितनी है? 111 किलोमीटर। और 512 किलोमीटर दोस्तों बनास नदी की कुल लंबाई है, और बनास नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? ए जवई, बी सुकड़ी, डी है सी सुकली है, डी बांडी। बांकली बांध, राज्य में बांकली बांध। दोस्तों यहाँ पर सुकली और सुकड़ी दो दे रखा है, इनमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है, तो सुकली है ये आपके सिरोही जिले में, सिरोही जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिरोही से। और सुकड़ी है ये आपकी निकलती है जालोर के। ठीक है, तो जालोर में है। ठीक है, सुकड़ी है जालोर में, सुकली है सिरोही में, तो याद रखना। तो दोस्तों राज्य में जो बांकली बांध बना हुआ है, बांकली बांध बना हुआ है आपके सुकड़ी नदी जालोर में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सुकड़ी नदी। ठीक है, सुकड़ी नदी है आपके लूणी की सहायक नदी है। जवई नदी भी लूणी की सहायक नदी है और बांडी नदी भी आपके जवई की सहायक नदी है। जबकि सुकली नदी दोस्तों, सुकली नदी का उद्गम स्थान है सहलवाड़ सिरोही से निकलती है दोस्तों। और सुकली नदी पर आपके गोकुल भाई भटबान बना हुआ है। कौन सा? गोकुल भाई भटबान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है? ए कोटा, बी अजमेर, सी जयपुर, डी उदयपुर। किस जिले में सर्वाधिक नदियां हैं? दोस्तों अगर यहाँ पर संभाग की बात आती है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है, तो संभाग है आपका कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। न्यूनतम नदियां किस संभाग में हैं? तो दोस्तों न्यूनतम नदियां है आपके बीकानेर संभाग में। ठीक है, और पूछ लिया जाता है न्यूनतम नदियां किस जिले में है, तो बीकानेर और चुरू दोनों राइट होते हैं। ठीक है, बीकानेर और चुरू में कोई नदी नहीं बहती है। यहाँ पूछा है किस जिले में सर्वाधिक नदियां है, जिले की बात की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उदयपुर जिले में सर्वाधिक नदियां है। और संभाग की बात की जाए तो कोटा।
अगला क्वेश्चन है, भैसूरगढ़ जलदुर्ग किस नदियों के संगम पर स्थित है? ए बनास चंबल, बी कालीखाड़ पर्वत, सी चंबल बामनी, डी है बेड़े गंभीर। भैसूरगढ़ जलदुर्ग के नदियों के संगम पर स्थित है। भैंसोड़गढ़, तो दोस्तों भैंसोड़गढ़ दुर्ग के आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसको आपके राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किसका? राजस्थान का वेल्लोर। किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसोड़गढ़ दुर्ग को। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दो दूसरा भाग है दोस्तों, एक तो इधर है बीच में भीड़ोड़ है, वापस इधर है। इस भाग में को आपके भैंसोड़गढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो भैंसोड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों आपके चंबल और बामणी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और आपके कालीखाड़ और पर्वण के संगम पर है आपके मनोहर थाना जल दुर्ग। कौन सा? मनोहर थाना जल दुर्ग कहाँ पे है? पर्वण और कालीखाड़ के संगम पर, झालावाड़ में। और दोस्तों बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी पे। ठीक है, तो चंबल बामनी भैंसोड़गढ़, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? ए है बनास, बी चंबल, सी लूणी, डी माही। राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, दोस्तों सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी तो है आपकी बनास। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास है। लेकिन सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है चंबल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम स्थान तो वो है आपके जानापाव की पहाड़ियाँ। जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो महू कस्बा, इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भीमलत या भीमतल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए टोंक, बी चित्तौड़गढ़, सी बूंदी, डी भीलवाड़। भीमलत या भीमतल, दोस्तों भीम राजस्थान में आपके तीन मुख्य मुख्य रूप से तीन जलप्रपात है। एक तो भीमतल या भीमलत, एक है आपका मैनाल, और एक है आपका चूलिया। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात है, जो कि आपकी चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, मैनाल है मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में। भीमलत जलप्रपात है दोस्तों आपके मांगली नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? बूंदी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बूंदी में, मांगली नदी पर बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिग जैग बांध किस जिले में स्थित है? ए बूंदी, बी टोंक, सी सवाईमाधोपुर, डी है दौसा। जिग जैग बांध, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी जिले में जिग जैग बांध बना हुआ है। ठीक है, सवाईमाधोपुर में आपके इसरदा बांध है। कौन सा? इसरदा बांध। ठीक है दोस्तों, और बिशलपुर बांध कहाँ पे है? बिशलपुर बांध है टोंक में। दोसा में है आपके सेंथल सागर। ठीक है, सेंथल सागर, माधो सागर बांध, ये आपके दोसा में है। अगला क्वेश्चन है, गोंजली, वागन व बामणी नदियां किस अभियान से होकर गुजरती है? ए भैंसोड़गढ़ अभियान, बी है सीता माता अभियान, सी है बस्सी अभियान, डी है जवाहर सागर अभियान। गोंजली, वागन व बामणी नदियां किस अभियान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्सी अभियान। बस्सी अभियान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो बस्सी अभियान चित्तौड़गढ़ से गोंजली, वागन, बामनी नदियां गुजरती है दोस्तों। ये तीनों नदियां हैं आपके बेडच की सहायक नदियां हैं। किसकी? बेडच नदी की। अगला क्वेश्चन है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? ए साबी, बी मेंथा, सी द्रव्यवती, और डी है रूपनगढ़। मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है दोस्तों? तो वो आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो दोस्तों वो है आपके मेंथा नदी। मेंथा नदी है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मेंथा नदी है दोस्तों आपके जयपुर, सीकर और नागौर में बहकर सांबर झील में गिर जाती है। कहाँ पे? सांबर झील में। और दोस्तों आपके साबी नदी है, साबी नदी निकलती है सीकर की पहाड़ियाँ जयपुर से। और द्रव्यवती नदी है दोस्तों, इसको आपके जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है, द्रव्यवती नदी को। ठीक है, ये आपके नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर। और रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ आपके जो उदयनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है। उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है रूपनगढ़। अगला क्वेश्चन है, चीकलावास बांध किस जिले में स्थित है? ए करौली, बी उदयपुर, सी अलवर, डी राजसमंद। चीकलावास
शीतलावास बांध, तो दोस्तों चीखलावास बांध, चीखलावास बांध है आपके राजसमंद में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आपके मोहनलाल सुखाड़िया बांध उदयपुर जिले में है, कौन सा? मोहनलाल सुखाड़िया, करौली में है पांचना बांध, कौन सा? पांचना बांध, कहाँ पे है? करौली में। और एक है पांचला बांध, पांचला बांध है ये आपके जालौर में, पांचना करौली पांचला जालौर। और उदयपुर में कौन सा है? उदयपुर में आपके मोहनलाल सुखाड़िया, सिरोही में है गोकुल भाई भट्ट बांध, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? ए लूनी, बी माही, सी गग्गर, डी चंबल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाली एकमात्र नदी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गग्गर, गग्गर नदी है जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गग्गर नदी है आपके कालका की पहाड़ी से निकलती है, कहां से? कालका की पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी, हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी से निकलती है, शिवालिक श्रेणी से कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो कालका की पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी, हिमाचल प्रदेश से गगन नदी निकलती है। राजस्थान में ये आपके हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर होते हुए फोर्ट अब्बास, कहाँ पर? फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास पड़ता है पाकिस्तान में, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो गग्गर एक प्रकार की क्या है? अंध प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली अंध प्रवाह की सबसे लंबी कौन सी है? गग्गर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? गग्गर, ठीक है दोस्तों। गग्गर नदी की पाट को राज्य में नाली कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। गग्गर नदी की पाट को राजस्थान में नाली और पाकिस्तान में अकरा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों में एक भी नदी नहीं बहती है? ए हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बी है बाड़मेर, बीकानेर, सी है बीकानेर चुरू, डी है चुरू सीकर। किन जिलों में एक भी नदी नहीं बहती है? दोस्तों अभी हमने बात की थी सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है, तो सर्वाधिक नदियां बहती है आपके कोटा संभाग में, ठीक है। और सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती है, तो उदयपुर जिले में बहती है। और न्यूनतम नदियां किस संभाग में है, तो न्यूनतम नदियां है आपके बीकानेर संभाग में, किसमें है? बीकानेर में। तो दोस्तों बीकानेर और चुरू दो ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बीकानेर, बीकानेर और चुरू। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध का निर्माण किसने करवाया था? ए राम सिंह द्वितीय, बी है राम सिंह प्रथम, सी है माधो सिंह द्वितीय, डी है प्रताप सिंह। रामगढ़ बांध, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी का दोस्तों उद्गम स्थान है बैराट की पहाड़िया, कहां से होता है? बैराट की पहाड़िया, बैराट की पहाड़िया में आपके जयपुर में स्थित, तो बैराट की पहाड़िया जयपुर से बाणगंगा नदी निकलती है। बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था दोस्तों राम सिंह द्वितीय ने, सॉरी राम सिंह द्वितीय ने नहीं करवाया था, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। किसकी याद में करवाया था? तो राम सिंह द्वितीय की याद में करवाया था, ठीक है। राम सिंह द्वितीय थे अपने माधो सिंह द्वितीय के पिताजी थे दोस्तों, ठीक है। तो माधो सिंह द्वितीय ने अपने पिता राम सिंह द्वितीय की याद में 1903 ईस्वी में रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था बाणगंगा नदी पर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसकी याद में? राम सिंह द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, अच्छा माची, भद्रावती, बैसावट व बहराखड़ी नदियों के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? ए है पांचना पांचला बांध, बी है पांचना बांध, सी है अजान बांध, डी है माधोसागर बांध। अच्छा माची, भद्रावत, भैसावट और बारखड़ी, दोस्तों ये सभी नदी आपके गंभीर की सहायक नदियां है। किसकी? गंभीर नदी की सहायक नदियां है ये पांचों की पांचों, ठीक है। तो ये पांच है दोस्तों, पांचों नदियों के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहाँ पर दो नाम दे रखे हैं, एक तो पांचला है, एक पांचना है। तो आपको पता करना है गंभीर नदी कहाँ पर बहती है, तो दोस्तों गंभीर नदी बहती है आपके, गंभीर नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है आपके सपोटरा करौली, सपोटरा करौली। तो दोस्तों पांचला बांध जालौर में है और पांचना बांध करौली में है, तो गंभीर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? करौली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचना बांध, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इन पांचों नदियों के संगम पर कौन सा बांध है? पांचना बांध, किस जिले में? करौली में, ठीक है दोस्तों। अजान बांध भरतपुर में है, माधोसागर बांध आपके दौसा में स्थित है, और पांचला बांध जालौर में। अगला क्वेश्चन है, सिरोही में स्थित गोकुल भाई भट्ट बांध किस नदी पर स्थित है? ए सुकड़ी, बी पश्चिमी बनास, सी साबरमती, डी है सुकली। सिरोही में स्थित गोकुल भाई भट्ट बांध,
तो दोस्तों सिरोही में जो गोकुल भाई बट बांध बना हुआ है दोस्तों, वो आपके सुकली नदी के तट, सुकली नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सुकली नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों सहलवाड़ सिरोही से। सहलवाड़ सिरोही से सुकली नदी निकलती है और सहलवाड़ सिरोही में सुकली नदी पर आपके गोकुल भाई बट बांध बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और सुकली नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो वो है आपके पश्चिमी बनास की। अगला क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? ए अजमेर, बी सवाई माधोपुर, सी टोंक, डी जयपुर। नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? नारायण सागर बांध है आपके खारी खारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। अब आपको पता करना है किस जिले में, तो दोस्तों खारी नदी पर नारायण सागर बांध आपके अजमेर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नारायण सागर बांध को अजमेर की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अजमेर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? नारायण सागर बांध को, या ऐसे कह सकते हैं अजमेर का समुद्र कहा जाता है नारायण सागर बांध को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, बेड़च नदी किन जिलों में बहती है? ए उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डी है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी। सी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डी है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी। बेड़च नदी किन जिलों में बहती है दोस्तों? बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है आपके गोकुंदा की पहाड़ियों से। गोकुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी आयड़ के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? आयड़ के नाम से। फिर आगे चलकर उदयपुर में उदय सागर झील में गिरती है। इसके बाद आगे क्या कहलाती है? बेड़च। ठीक है, तो याद रखना आयड़ नदी का दूसरा नाम बेड़च, बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? आयड़ नदी। तो दोस्तों ये उदयपुर से निकलकर चित्तौड़गढ़ जाती है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बिंगोद में बनास नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, बेड़च नदी किन जिलों में बहती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर दोस्तों घोसुंडा बांध बना हुआ है। कौन सा? घोसुंडा बांध। अगला क्वेश्चन है, घोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए बेड़च, बी बनास, सी गंभीर, डी कोठारी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया है दोस्तों घोसुंडा बांध। घोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेड़च नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बेड़च नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ठीक है, बनास नदी दोस्तों, बनास नदी है आपके, बेड़च है जो बनास की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थान है आपके खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पे? आपके राजसमंद में। ठीक है, गंभीर नदी का उद्गम स्थान है सपोटरा, करौली। ठीक है दोस्तों, और कोठारी नदी, कोठारी नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा जल दुर्ग बना हुआ है? ए चित्तौड़गढ़, बी मनोहर थाना जल दुर्ग, सी है गागरौन जल दुर्ग, डी है बैसोड़गढ़। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा जल दुर्ग बना हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरौन दुर्ग। गागरौन दुर्ग आपके झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, तो गागरौन दुर्ग है काली व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है गागरौन दुर्ग किस स्थान पर बना हुआ है, तो याद रखना दोस्तों गागरौन दुर्ग सोमेला, कहाँ पे? सामेला या सोमेला स्थान पर बना हुआ है। किस पे? सोमेला, गागरौन, झालावाड़, पूरा याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, परोर नदी किस स्थान पर काली सिंध नदी में मिल जाती है? ए है नानेरा, बी पलायता, सी सामेला और डी है मनोरथना। परोर नदी किस स्थान पर काली सिंध में मिल जाती है? दोस्तों परोर नदी जिस स्थान पर काली सिंध में मिलती है वहां पर आपके शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग कौन सा? बारा वाला। ठीक है, तो बारा के अंदर जो आपकी परवन नदी है काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ जल दुर्ग बारा स्थित है। तो दोस्तों वो मिलती है आपके पलायता में। कहाँ पे? पलायता, बारा में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परवन नदी पलायता बारा में काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, और यहीं पर आपकी शेरगढ़ जल दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? शेरगढ़ जल दुर्ग बारा। और दोस्तों काली सिंध है जो आपके नांदेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। नांदेरा कहाँ पे है? नांदेरा कोटा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? ए आहू, बी परवन, सी अ व ब दोनों, डी है बामणी। कौन सी नदी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है?
दोस्तों काली सिंध का उद्गम स्थान है आपके देवास एमपी से। देवास एमपी से निकलती है झालावाड़ बारा और कोटा में बहते हुए आपके चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में ये नानेरा नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। और पर्वन इसमें मिलती है पलायता बारा में, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपका सिरगढ़ जलदुर्ग बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पूछा है कि कौन सी नदी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों आहू नदी है जो आपके काली सिंध की सहायक नदी है, परवन भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन बामनी बामनी है जो चंबल की सहायक नदी है, ना कि इनकी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बामनी नदी है जो काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये बनास, बी चंबल, सी माही, डी लूनी। राज्य से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, दोस्तों राज्य में बहने वाली या राज्य में पूर्णतः बहने वाली, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, जिसकी लंबाई है 512 किलोमीटर, जो पूरी की पूरी आपके राजस्थान में बहती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास। और दोस्तों राज्य से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी चंबल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चंबल नदी की दोस्तों कुल लंबाई है आपके 1051 किलोमीटर, ठीक है, 1051 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और राजस्थान में जो चंबल नदी की लंबाई है दोस्तों वो है आपकी 322 किलोमीटर, कितनी है 322 किलोमीटर, बनास से भी कम, बनास की कितनी है 512। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंबल नदी। राजस्थान से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी को आपके चरमणीयवती, चरमणीयवती, नित्यवाहिनी, राजस्थान की कामधेनु आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, केशोरायपाटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ए बनास, बी चंबल, सी गंभीर, डी मेज। केशोरायपाटन, दोस्तों केशोरायपाटन कहाँ पे है, तो केशोरायपाटन आपके बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों केशोरायपाटन कहाँ पे है, बूंदी में। यहाँ पर दोस्तों आपके चीनी चीनी उद्योग का प्रथम सहकारी कारखाना स्थापित किया गया था केशोरायपाटन में। तो केशोरायपाटन बूंदी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चंबल नदी है दोस्तों आपके 6 जिलों में बहती है, चंबल नदी है, बनास नदी है और लूनी नदी है, ये तीनों नदी आपके 6 जिलों में बहती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। ए है पश्चिमी बनास व मानसी, बी है पश्चिमी बनास व सुकली, सी है मानसी व वाकल, डी है साबरमती व सई। मोहनलाल सुखाड़िया बांध, दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया बांध किस जिले में स्थित है, तो वो है आपके उदयपुर में। तो आपको पता करना है कौन सी नदी है उदयपुर में बहती है, मोहनलाल सुखाड़िया बांध। दोस्तों उदयपुर में आपके फुलवारी की नाल अभियान है, कौन सा फुलवारी की नाल अभियान, फुलवारी की नाल अभियान से दो नदियां निकलती है, मानसी और वाकल। तो मानसी और वाकल नदियां जहां पर मिलती है वहां पर आपके मोहनलाल सुखाड़िया बांध बना हुआ है। दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया बांध किस स्थान पर बना हुआ है, दोस्तों वो बना हुआ है देवास उदयपुर में, देवास उदयपुर में मानसी व वाकल के संगम पर मोहनलाल सुखाड़िया बांध स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मानसी व वाकल, मानसी व वाकल नदियों का उद्गम स्थान फुलवारी किनाल अभियान से। अगला क्वेश्चन है, वैतरक, सेई, हतमनी, मेसवा, माजम आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। ए साबरमती, बी माही, सी पश्चिमी बनास, डी एस बेड़च। वैतरक, सेई, हतमनी, मेसवा, माजम, दोस्तों हमने सेई के बारे में पढ़ा है, कौन सी नदी के बारे में, सेई, सेई है जो आपके उदयपुर में बहती है, कहाँ पे, उदयपुर, कोटड़ा उदयपुर से, कोटड़ा उदयपुर से सेई नदी का उद्गम स्थान होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से पता करो किस नदी का उद्गम स्थान है जो उदयपुर से होता है, बेड़च का होता है, लेकिन बेड़च है आपके उस तरफ नहीं आती है, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके साबरमती, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साबरमती नदी का उद्गम स्थान भी आपके उदयपुर ही है दोस्तों, ठीक है। उदयपुर के पादल्ला या पदारना गांव से साबरमती निकलती है और सेई नदी आकर इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साबरमती। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा बांध किस जिले में स्थित है। ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी प्रतापगढ़। सोम कमला अंबा, दोस्तों एक तो है आपके सोम कमला अंबा और एक है आपका सोम कागदर, सोम कागदर बांध, ये दो बांध है दोस्तों, इनमें कंफ्यूजन होता है कई बार दोस्तों, ठीक है। दिमाग में ये आता है कि सोम कागदर बांध किस जिले में है, सोम कमलांबा किस जिले में है। तो दोस्तों सोम कागदर बांध,
ये आपके उदयपुर जिले में है। किस जिले में? उदयपुर जिले में किस नदी पर है? सोम नदी पर। ठीक है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है आपके माही की सहायक नदी। और दोस्तों बात आती है सोम कमला अंबा, तो दोस्तों सोम कमला अंबा बांध भी आपके सोम नदी पर बना हुआ है। किस जिले में बना हुआ है? तो वो बना हुआ आपके डूंगरपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोम कमला अंबा बांध सोम नदी पर, सोम नदी पर डूंगरपुर में बना हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे देव सोमनाथ मंदिर भी स्थित है। कौन सा? देव सोमनाथ मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी नदी उल्टे यू आकार में बहती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए चंबल, बी बेड़द, सी सोम, डी माही। राज्य की कौन सी नदी उल्टे यू के आकार में बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी है जो आपके उल्टे यू के आकार में बहती है तथा आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों माही आती है आपके आपके महज झील से आती है। कहाँ से? महज झील, अमोरू गांव मध्य प्रदेश से, जो आपके खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान में, प्रतापगढ़ डूंगरपुर होते हुए वापस गुजरात चली जाती है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर से आपके 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है, जिसको आपके कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। तो दोस्तों देखिए कर्क रेखा को 2 बार काट रही है और उल्टा यू ऐसे होता है सीधा, ये देखो उल्टे यू के आकार में बह रही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोम नदी का उद्गम स्थान है ए गोगुंदा की पहाड़िया, बी खमनौर की पहाड़िया, सी बिचामेड़ा की पहाड़िया, डी है दिवेर की पहाड़िया। सोम नदी का उद्गम स्थान, दोस्तों सोम नदी है ये आपकी माही नदी की सहायक नदी है। किसकी? माही। तो सोम, माही और जाखम ये आपका त्रिवेणी संगम बनता है कहाँ पे? बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में। तो दोस्तों सोम नदी का उद्गम स्थान, सोम नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों बिचामेड़ा की पहाड़िया। ठीक है, बिचामेड़ा की पहाड़िया, बाबर माल का पठार उदयपुर से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आपके बेड़च नदी, खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी, और दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है कोठारी नदी, जबकि बिचामेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राज्य में प्रवेश किस स्थान या गाँव से करती है? ए खांद्रू, बी सादड़ी, सी चौरासीगढ़, डी नानेरा। चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ से आती है दोस्तों? तो आती है जानापाव की पहाड़ियों से। कहाँ से? जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो वो है आपके महू कस्बा इंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ से चंबल नदी आती है। और चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ कहाँ है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राज्य में प्रवेश करती है दोस्तों, चौरासीगढ़ से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और खांद्रू गाँव से करती है माही नदी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तथा अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको समस्या रहती है या फिर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है उनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।